नमस्कार किसान भाइयों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। और आप लोगों को ये सब हमारी सीरीजें देख के ज़्यादा से ज़्यादा मछली पालन से रिलेटेड जो है नॉलेज होता होगा। और आज की इस वीडियो में हम मछली पालन पार्ट 4 का ये वीडियो है। इसके पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 बना ही दिए हैं। जो भाई लोग नहीं देखे हों तो वो जा कर के ये वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हमने एक फोल्डर बना रखा है। फोल्डर में भाई लोग पिछली वीडियो हमारी नहीं देखे हों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे दिया है। आप लोग जाके वो सब वीडियो आप वॉच करके आप पार्ट 4 तब देखिएगा, तभी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो आज की वीडियो हम बताएंगे कि जो मछली को खाना दिया जाता है वो आप अपने घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं और उसमें क्या क्या मिला करके उसको जो है रेडी कर सकते हैं। और दूसरा रहेगा क्वेश्चन जो है आप कैसे इसको तालाब में अप्लाई करेंगे, मतलब कैसे आप बच्चों को देंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि मछली आपकी जो आपने फीडिंग दिया है वो खाई है कि या आपके देने के बाद वो सब फीड जो है वेस्टेज चला गया है। तो प्लीज़ जो है वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और बिना स्किप किए हुए देखिएगा, नहीं तो आपको जानकारी कुछ ना कुछ छूट जाएगी तो आपको मिस हो जाएगा। तो आज चलिए हम आपको तैयार कराते हैं कि घर पर मछली का खाना आप कैसे तैयार करेंगे, इसमें क्या क्या आपको मिला के देना पड़ेगा। और ये खास करके IMC कैटेगरी की मछलियों का फीडिंग हम बनाने जा रहे हैं, तो चाहे तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब हम फीडिंग बनाएंगे, जो चार्ट आज आपको देंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन मिला के आप मछलियों को दे सकते हैं। तो पहला जो आप रहेगा इसमें फर्स्ट एंड फर्स्ट ये घर का फीड हम बनाने के लिए आपको बता रहे हैं, सरसों की खली रहेगी, दूसरा जो रहेगा वो चावल का पॉलिश होता है, तीसरा जो है ये चावल का पॉलिश कई लोग जो है छिलके को समझ लेते हैं, ये चावल जब निकलता है तो उसमें एक जो छिलका होता है उसको निकालने के बाद चावल एक ग्राइंडिंग किया जाता है, मतलब रगड़ करके उसको चमकीला बनाते हैं, तो उसमें देखेंगे आटे जैसा वाइट वाइट निकलता है, जो पूरा पाउडर फॉर्म में हो जाता है उसको हम बोलते हैं चावल का पॉलिश, ना कि उसके छिलके को बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा इसमें जो रहेगा एक अनाज रहेगा, अनाज में चाहे आप गेहूं ले सकते हैं, जो आपके यहाँ सबसे सस्ता अनाज मिलता हो वही इनमें से एक चीज़ ले लीजिएगा, चाहे मक्का ले लीजिएगा या फिर बाजरा ले लीजिएगा या फिर जौ फिर ले सकते हैं या ETC जो भी आपको मिल जाए। ETC मीन्स कोई भी एक अनाज, इनमें से चाहे जो एक हो उसका आप इसमें कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चौथा रहेगा आपका, इसमें नमक का यूज होता है, ये किस लिए डाला जाएगा ये सब भी अभी आपको हम बताएंगे। पांचवा जो है आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन पांचों चीज़ों से ही आपका ये फीड तैयार हो जाएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे अभी इसको डस्टर से मिटा के आपको इसके आगे जो है इसका कॉम्बिनेशन बताएंगे कितना परसेंट क्या क्या रहेगा आप इसको फीडिंग दे सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, आपको बताते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या रहेगा। देखिए जो सरसों की खली रहेगी ये आपका 33% रहेगी, ये जो है आपका 33% रहेगा, गेहूं या मक्का या फिर बाजरा या फिर जौ जो भी आपको मिले ये भी आपका 33% रहेगा, और ये जो है 1% में 0.5% जो है आपका ये जो है नमक और ये गुड़ जो है 0.5% रहेंगे, मतलब आधे परसेंट ये रहेगा आधे परसेंट ये रहेगा। इसको क्यों इंक्लूड किए हैं, ये दोनों जो है मछली जब फीडिंग उठाती है तो डाइजेशन में बहुत काम आता है, मतलब वो खाना डाइजेस्ट बड़े आराम से कर लेती है, तो उसके लिए ये सब रखा गया है। 33% मीन्स आप ये मान के चलिए कि अगर आप इसको लेते हैं, मान लीजिए हम 100 KG खाना बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा
100 केजी में आपको जो है ये सरसों की खली 35 केजी चाहिए होगा, चावल का पॉलिश 35 केजी चाहिए होगा, गेहूं या मक्का या बाजरा इसका भी 35 केजी आपको चाहिए होगा। तीनों 33-33 केजी हो गया, ये 99 केजी आपका हो गया है। तो ये 99 केजी आपका ये माप रेडी हो गया। अब बचा 1 केजी, तो आधा केजी आपको नमक लगेगा, हाफ केजी आपको गुड़ लगेगा। इन सब को जो है आराम से, पहले तो जो सरसों की खली है, चावल का पॉलिश है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा, जो भी किसी आप लोग पाएंगे एक चीज़, ये तीनों को जो है, जैसे आप फीडिंग कल इसको देने चाह रहे हैं मछली को, कल अगर इसको देंगे तो आज इसको शाम को जो है आपको सरसों की खली और चावल का पॉलिश, गेहूं, ये दोनों छोड़ करके सरसों की खली शाम को ही इसको किसी टब वगैरह में भिगो देना है। इतना पानी मत भिगोइएगा कि पूरा ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाए, इतना भिगोए कि वो पूरा अब्जर्व कर ले, सोख ले। उसके बाद जो है कल ये दोनों इसमें इंक्लूड करके इसको जो है तीनों मिक्स करके आप इतना बड़ा बड़ा आपको लड्डू बना लेना है। अब लड्डू बना करके आप कैसे इसको फीडिंग देंगे, ताकि आपको मछली जब आप फीडिंग आप देंगे तो आपको पता चले कि हाँ ये खाई है कि नहीं खाई। ऐसे आप डायरेक्ट तालाब में फेंक देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मछली खाना खाई है या फिर नहीं खाई है। अगर नहीं खाई रहेगी तो वो तो आप जो फीडिंग दिए हैं उसमें भी पैसा लगा, वो तो वेस्ट हो गया ना आपका। वो वेस्ट ना जाए उसके लिए जो है आपको एक काम करना है। ये आज हम तो ये आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं, इसको और दूसरा तरीके से चेक करने के लिए और भी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये तालाब है, इसमें जो है अगर ये 1 एकड़ का है, 1 एकड़ का है, तो इसमें 4 जगह जो है आप पोल बनाइए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। पोल मीन्स एक कोई खंभा गाड़ दीजिए बांस या लकड़ी का, और जो जूट का बोरा होता है आप उसमें जो है एक एक बैग लगा दीजिए चारों में, और इसी में आपको फीडिंग देना है। और ये पानी में, जैसे ये बैग है आपका और पानी यहाँ तक भरा रहे, इतना तक इसको लटकाइए ताकि ये पानी में डूबे, और नीचे बैग में छेद कर दीजिए। मछली आएगी अपना यहाँ खाएगी और चली जाएगी। और कई लोग पूछते हैं इसको एक दिन में कितना खाना देना चाहिए। अगर 1 एकड़ का तालाब है, आपकी मछली 100 से 50 ग्राम के मछली का बच्चा है, तो उस समय जो है आपको हर एक बैग में जो है 10-10 केजी जो है फीडिंग आपको भर देनी है एक दिन में। और जैसे ये खाली हो जाए आपका बैग, जैसे ये आपको जैसे खाली होगा तो ये पानी पे फ्लोट करने लगेगा, ऊपर तैरने लगेगा। आप समझ जाइएगा कि बैग पूरा ये खाली हो गया, आपको फिर से रिफिल करना है आपको बैग को। तो ये सब जो है जहाँ पे खाली हो जाए, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन सभी चारों बैग खाली हो जाए, कोई कोई खाली हो जाए, कोई नहीं खाली रहेगा। जैसे जैसे जो खाली होता रहेगा उसको रिफिल आप करते रहिएगा। और फिर जो है ऐसे ही इसको आपको देना है, ये नहीं कि इसका बॉडी वेट का इतना परसेंट उतना परसेंट देना है, वो सब पंगास मछली में होता है, जो कैट फिश कैटेगरी की मछलियाँ होती हैं उसमें होता है। वो आगे चल के हम आपको वीडियो में बताएंगे कि जो कैट फिश होती है उसका बॉडी वेट का कितना परसेंट पर डे आपको देना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया, इससे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ हमारी मछलियाँ जितना हमने फीडिंग दिया था उसको खाई हैं कि नहीं खाई हैं। कई लोग हम देखे हैं लड्डू बना के बस तालाब में फेंक देते हैं। क्या अगर उनसे हम पूछें कि कैसे आपको पता चलता है कि मछली का बच्चा जितना आपने डाला था वो सब जो फीडिंग आपने दिया है वो सब खा ही गई हैं, वो सब वेस्ट भी हो सकता है ना, क्या पता कि आपके तालाब में मछली है कि नहीं है। तो थोड़ा बहुत, और हर महीने इसमें जो है जाल को एक बार खींच के चला देंगे तो उससे पता भी चलता रहेगा कि आपकी मछली जो आपको फीडिंग करा रहे हैं आप उसमें ग्रोथ हो रही है या फिर कुछ दिक्कत उक्कत तो नहीं है। तो बीच बीच में इस महीने दो महीने में एक बार जाल भी चलाया करिए आप लोग, वो भी गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में जाल नहीं चलाई जाती है। तो दूसरा हमने आपको बता दिया कि ये खाना आपको कैसे तैयार करना है, कितना परसेंट में तैयार करना है, क्या क्या उसमें लगता है। दूसरा जो है आपको फीडिंग किस तरीके से देना है कि आपको पता चलता रहे कि आपकी मछलियाँ पूरी खाई हैं कि नहीं खाई हैं। दूसरा एक तथ्य और होता है कि इस अगर ये ना दे करके दूसरे तरीके से भी आप इसको फीडिंग दे सकते हैं, उसमें भी आपको पता चलता रहेगा कि हाँ मछली हमारी पूरा भोजन खाई है कि नहीं खाई है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको ये कैसे आपको अगर ये सक्सेस नहीं है आपका तो दूसरे में आप बताएंगे कैसे उसको आप करा सकते हैं फीडिंग, उससे भी आपको पता चलता रहेगा कि खाई है कि नहीं खाई है। तो दोस्तों ये वीडियो पार्ट 4 था, ये IMC कैटेगरी की मछलियों के बारे में हमने आपको फीडिंग बताया है। IMC में रोहू कतला नयन ग्रास कार्प ये मिला करके सभी को आप इसको फीडिंग दे सकते हैं। ये कैट फिश कैटेगरी की मछलियों के बच्चे का भोजन नहीं है, मतलब जो पंगासियस हो गया, मांगुर हो गया, सिंगी हो गया, ये सब वो नहीं खाएगी, वो सब
हाई प्रोटीन का वो दाना खाती है, ये हम IMC कैटेगरी की मछली को बच्चों के लिए ये बताए हुए हैं। आप ये फीडिंग आप उसको दे करके आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो प्लीज़ जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए और हम हो सकेगा तो उसी पे जवाब दे देंगे, या फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में वो कमेंट हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको जवाब उसका हम आंसर कर देंगे। और दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और जो भाई लोग नया हैं चैनल पे प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम बना के आप सभी को दिखाते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में नई सीरीज लेके, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, बाय बाय।